एक समय ऐसा था कि पटना का जो गंगा घाट है वो कूड़ा और गंदगी का पर्याय बना हुआ था, लेकिन जब से गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ इसकी तस्वीर ही बदल गई। 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना बनाई। 6 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि और केंद्र सरकार के गंगा को पुराने स्वरूप में लौटाने के संकल्प ने काफी कुछ बदला है। जिन घाटों पर कूड़े का अंबार लगा रहता था, अब उन्हीं घाटों पर मां गंगा का आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। घाटों के सौंदर्यकरण के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना के सभी घाटों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद घाट की कुल लंबाई 5.7 किलोमीटर हो जाएगी। इसके साथ ही 15 फीट चौड़ा पैदल पथ तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, घाटों की साज सज्जा में भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। दीवारों पर खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग और बेहतरीन लाइटिंग लोगों को अभी से ही लुभा रही है। गंदगी गंगा में न जाए और लोगों को असुविधा भी न हो, इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर शौचालय और साथ साथ घाटों पर आने वालों के लिए 500 बेंच भी लगाए गए हैं। इन घाटों ने गंगा तट को पर्यटक स्थल सरीखे बना दिया है, जहां आने वाले लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। पहले तो गंदगी था, अब तो बहुत साफ सुथरा जी हो गया है। बहुत 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 बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया जी है। बहुत सुंदरता है, पहले से विकास बहुत सा, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने फिरने में। जनता लोग इसे नहीं कि नाराज नहीं, खुश है बहुत कि चलिए बन गया ये चीज, जो आदमी कभी सपना भी नहीं सोचा था कि ये चीज बनेगा। मैनी डेंट घूमने के लिए कम से कम ये बन गया तो बहुत खुशी की बात है, और जनता हमसे खुश भी है इस चीज़ से। ऐसा कुछ कमी नहीं है घाट पर, सुरक्षा तो अभी काफ़ी ठीक है, अभी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आने जाने वाले जनता को किसी को दिक्कत नहीं है, आ रही जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। पटना के घाटों के कायाकल्प में तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्र का इसमें 70%, जबकि राज्य सरकार का 30% योगदान है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर अब पटना में भी गंगा रिवर फ्रंट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी पटना में गंगा तट पर 20 घाट हैं, जिनमें BN कॉलेज घाट, अंटा घाट, मिश्री घाट, रानी घाट, पथरी घाट और आलमगंज घाट सहित 12 घाटों पर सौंदर्यकरण का काम पूरा हो चुका है और इसे लोगों के लिए जल्द खोला जाएगा। घाटों के सौंदर्यकरण का काम जून 2016 तक ही पूरा हो जाना था, मगर अब जून 2020 तक इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा घाटों का निर्माण अभी जारी है। 20 घाटों में 12 घाटों का निर्माण ही पूरा हो पाया है, अभी भी 8 घाटों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि जिस समय नीतीश कुमार ने इस काम को शुरुआत की थी 2014 में, जून 2016 तक बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम को ये काम पूरा कर लेना था, लेकिन अभी भी 8 घाटों का काम अधूरा है। जून 2020 में ये टारगेट पूरा करना है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जून 2020 तक भी ये काम पूरा हो पाता है कि अभी भी वक्त लगेगा। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, ओंकार अवामी न्यूज़, पटना।